आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करूंगी, जैसे कि सर्दियों में खाई जाने वाली कुछ खास रोटियां जो लगभग सभी को पसंद होती हैं, लेकिन इनको बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, कुछ लोग इसको नहीं बना पाती हैं। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिससे आप इन रोटियों को फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ओट्स की रोटी। ओट्स के आटे से रोटी तो हम सभी बना लेते हैं, लेकिन आज मैं ओट्स से ही रोटी बनाऊंगी। इससे पहले आटा नहीं तैयार करूंगी, डायरेक्ट ओट्स से ही रोटी बनाना बताऊंगी। बहुत आसान तरीके से आप भी इससे रोटी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो इसके लिए एक कप ओट्स लेंगे। अब यहाँ पर एक कप पानी ली हूँ, पूरा पानी नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। तो ये पानी एकदम नॉर्मल है और इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है जितने से ये ओट्स अच्छी तरह से भीग जाए। तो बस देखिए, ओट्स में पानी नहीं है, सिर्फ अच्छे से ये भीग चुका है। अभी इसको ढक कर रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तो करीब 10 मिनट बाद हम देखेंगे ओट्स अच्छी तरह से फूल जाएगा और जो भी पानी इसमें है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए, अब इसको खूब अच्छी तरह से मसल लेंगे। बस आपको इसमें पानी डालते समय ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओट्स का आटा चिपचिपा होता है, साथ ही साथ ओट्स भी काफ़ी चिपचिपा होता है। तो चम्मच की मदद से जो उंगली में लगा है इसको हम पहले छुड़ा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, चम्मच की मदद से पहले मैं छुड़ा ली हूँ। अब हाथ धुलकर फिर इसको छुएंगे, क्योंकि अभी फिर से अगर हम इसको अच्छे से मसलेंगे तो फिर हाथ में चिपक जाएगा। अब हाथ में थोड़ा सा ओट्स का आटा लगा लीजिए, या फिर देसी घी या फिर तेल लगा लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ। तो ये देखिए, पहले ये थोड़ा गीला लग रहा था, लेकिन अब ये हाथ में नहीं चिपकेगा। तो बस जरा सा ही देसी घी लगाएंगे। तो इतने आटे में मैं दो रोटी बनाकर तैयार करूंगी। तो अब जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरह से इससे रोटी बनाएंगे। पहले गोल करते हुए इसकी लोई बना लेंगे और फिर अब इसको बेलने के लिए हमें चाहिए ओट्स का आटा, और आप चाहे तो यहाँ पर गेहूं का आटा भी ले सकती हैं। वैसे ये रोटी बिना ओट्स का आटा लगाए भी बन जाएगी, लेकिन तब थोड़ी सी मोटी बनती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती है। तो अगर आप थोड़ी मोटी बनाने वाली हैं तो फिर आटा ना लगाइए, और पतली बनाने वाली हैं तो थोड़ा सा गेहूं का आटा या फिर ओट्स का आटा लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, एक थोड़ी पतली बनाऊंगी ओट्स का आटा लगाकर और एक मोटी बनाऊंगी बिना आटा लगाए। तो इस तरह ओट्स से बिना आटा तैयार किए भी आप ओट्स की पतली रोटी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखिए मैं इसको कितनी पतली बना रही हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और पतली कर रही हूँ। ये देखिए, तो बस जैसे नॉर्मल रोटी सेकते हैं तवा के गर्म होने पर डालते हैं, इसको भी ऐसे डाल देंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाए फिर पलट देंगे। इस रोटी पर जल्दी से कलर नहीं आता है, इसलिए मीडियम हाई पर या फिर हाई पर बनाएंगे। तो मैं इसको गैस चूल्हे पर सेकूंगी, क्योंकि तवे पर अगर बहुत ज़्यादा देर तक सेकूंगी, कलर लाने लगूंगी, तो फिर ये रोटी हार्ड हो जाती है, इसलिए गैस चूल्हे पर ही सेककर इसको निकाल लूंगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा कलर नहीं आता है, जैसे गेहूं की रोटी पर कलर आ जाता है, उस तरह से जल्दी कलर नहीं आता है। और कभी कभी कलर लाने के चक्कर में रोटी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अब एक मैं बता रही हूँ बिना आटा लगाए, तो उसको पहले हम इस तरह से बड़ी कर लेंगे। जितनी बड़ी हो सके उतनी आप ऐसे करके कर लीजिए। तो ये देखिए, पहले हम इतनी बड़ी कर लेंगे, उसके बाद इसमें पानी लगाकर फिर बड़ी करेंगे। अब मैं पानी से ओट्स की रोटी बनाकर दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से रोटी को बड़ी करेंगे। जितनी बड़ी आप कर पाइए आराम से उतनी बड़ी कर लीजिए, क्योंकि ओट्स थोड़ा रूखा होता है ना, तो इसलिए रोटी टूटने लगती है। तो बस जितनी बड़ी हो जाए उतनी कर लीजिए। इसको भी उसी तरह से सेक लेंगे, हल्का सा कलर आएगा तो दूसरे साइड से पलट देंगे। और क्योंकि ये रोटी थोड़ी मोटी है तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आप पतली रोटी बना रही हैं तो फिर हाई फ्लेम पर सेकिएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो रोटी इस साइड से देखिए अच्छे से पक चुकी है, अब इसको तवे पर ही मैं सेक कर दिखा रही हूँ। और ओट्स की रोटी जब आपको खाना हो तभी बनाइए, रखने पर भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये रोटी भी बहुत अच्छे से सीख चुकी है, तो इसके कलर पर ना जाइएगा, क्योंकि रोटी बहुत अच्छे से पक चुकी है। ओट्स का कलर ही ऐसा होता है कि जल्दी पता नहीं चलता है कि रोटी सीख चुकी है, लेकिन जब आप खाएंगी तो रोटी बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। तो इस तरह से बिना आटा तैयार किए साबुत ओट्स से आप ओट्स की रोटी चाहे तो मोटी बनाइए और चाहे तो पतली।
तो दोस्तों आपको ये यूजफुल टिप बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ओट्स की रोटी बनाने के लिए कई सारे कमेंट्स आए हैं कि ओट्स की रोटी बिना आटा तैयार किए कैसे बनाएं। तो आज मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये वीडियो देख रही होंगी और आपको पसंद भी आई होगी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और हर घर में मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार या फिर जौ, तरह तरह की रोटियां बनने लगेंगी। तो काफी लोगों की शिकायत होती है कि बाजरे की रोटी बहुत अच्छी नहीं बनती है, टूटने लगती है या फिर पतली नहीं होती। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जितना भी आपको आटा लेना हो बाजरे का आटा ले लीजिए, और आटा लेते समय ध्यान रखिए कि ताजा आटा लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इससे रोटियों का स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है और रोटियां भी बहुत बढ़िया बनती हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ताजा आटा ली हूँ, तो इसी तरह से कोशिश कीजिए कि आप लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। आटे को एक बार चाल कर फिर लीजिए। अब इसके बाद हमें चाहिए हल्का गर्म पानी। बहुत ज्यादा गर्म पानी की जरूरत नहीं है, हल्का गर्म है, जितना कि हाथ से आसानी से छू सके। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करना है। एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। अगर हम टाइट डो तैयार करेंगे तो इससे जब रोटियां बनाएंगे तो ये फटने लगेंगी, इसलिए डो थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे तो रोटियां ज्यादा अच्छी बनती हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, और जब इस तरह से सॉफ्ट डो तैयार हो जाए तो हथेली से प्रेस करते हुए बढ़िया से मसल लेंगे करीब 2 से 3 मिनट तक। जितना बढ़िया इसको मसलेंगे ये डो उतना ही बढ़िया लचीला होगा और रोटियां बनाने में उतनी ही आसानी होंगी। रोटियां ना तो फटेंगी और ना ही टूटेंगी, जितनी पतली हम चाहेंगे उतनी पतली इससे रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने खूब अच्छी तरह से इसको मसल लिया है और देखने से ही एकदम चिकना सॉफ्ट लग रहा है। तो बस इसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है। अब जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उतनी बड़ी बड़ी लोई इसमें से तोड़ लीजिए। वैसे इस तरह का जो मोटा अनाज होता है उससे जो भी रोटियां हम बनाते हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं तो खाने में ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब एक लोई लेंगे, इस तरह से गोल करेंगे। अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा। तो थोड़ा सा आटा लगाने के बाद इस तरह 4 उंगली इस पर रखेंगे और ऐसे घुमाते हुए रोटी को बड़ी करेंगे। तो आटा एकदम सॉफ्ट है इसलिए इसको बड़ी करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। जितनी बड़ी आप चाहे इस तरह से कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जितनी पतली आप चाहे उतनी पतली कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए उंगली से ही ये रोटी इतनी बड़ी हो गई है कि इसको बेलने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको जरूरत लगे तो बेलन लगा लीजिए, नहीं तो उंगली से ही ऐसे बड़ी करके रोटी बना लीजिए, और बीच में आपको जरूरत लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा लीजिए। और दूसरे साइड से जितनी बड़ी आपको करनी है, जितनी पतली आपको करनी है उतनी पतली कर लीजिए। तो देखिए रोटी ना तो फटी है और ना ही टूटी है, बहुत बढ़िया ये रोटी बनी है। तो अब इसको सेक कर दिखा रही हूँ। तवा अच्छे से जब गर्म हो जाए तब इस पर हम ये रोटी डाल देंगे, और जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो पलटे की मदद से इसको छुड़ा लेंगे, क्योंकि आटा थोड़ा सॉफ्ट होता है तो तवे में चिपक जाता है, इसलिए पलटे की मदद से इसको छुड़ाकर पलट देंगे और दूसरे साइड से बढ़िया से सेक लेंगे। इस रोटी को हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, क्योंकि मोटे अनाज की रोटी है तो कच्ची रह जाएगी। मीडियम पर ही इसको हमें सेकना है। जब इधर से बढ़िया से कलर आ जाए तो आप चाहे तो इसको गैस पर, जैसे मैं फुला रही हूँ, इस तरह से फुला लीजिए, दोनों तरफ से पलट कर बढ़िया से कलर आ जाए, सिक जाए, फिर निकाल लीजिए, और चाहे तो डायरेक्ट तवे पर ही फुला लीजिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी बनी है। अब इसको भी मैं सेक कर दिखा रही हूँ, तो सेम उसी तरह से इसको भी सेक लेंगे। तो इस तरह से जब आप बाजरे की रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपकी रोटी फटेगी और ना ही टूटेगी। अब इस रोटी को आप चाहे तो ऐसे सादा ही सर्व कीजिए, और चाहे तो मेरी तरह हल्का सा देसी घी लगाकर सर्व कीजिए। तो देखिए हमारी रोटी कितनी बढ़िया मुलायम बनी है, एकदम सॉफ्ट है, और बहुत ज्यादा ना तो मोटी है ना बहुत ज्यादा पतली है। नेक्स्ट टिप है हमारी मक्के की रोटी को लेकर। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे 1 कप मक्के का आटा। तो आप चाहे घर का पिसा हुआ मक्के का आटा लीजिए और चाहे मार्केट का, इसको चालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मक्के की भूसी होती है, तो जब वो भूसी मुंह में पड़ती है तो खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको पहले हम चाल लेंगे। तो ये देखिए इसमें से कितना बड़ा बड़ा इसका भूसी निकला है, जो मक्के के ऊपर का छिलका होता है ना, वही छिलका है, तो इस वजह से इसको छानना बहुत जरूरी होता है। इसको हम हटा देंगे। अब कुछ लोग इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिलाती हैं,
लेकिन मैं गेहूं का आटा नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ मक्के के आटे से ही बना रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो इसमें थोड़ा सा सादा नमक मिला सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग मिलाती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। अब हमें चाहिए पानी, तो यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी हम लेंगे, ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, हल्के गर्म पानी से ही इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो इसके डो का विशेष ध्यान देना होता है, अगर टाइट डो लगा देंगे तो रोटी फटने लगेगी, इसलिए सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो देखिए, जरूरत के हिसाब से पहले हम इसमें पानी डाल लेंगे, जितना सॉफ्ट हमें चाहिए उतना पानी डाल देंगे, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मसलेंगे। अगर आप एक साथ ज्यादा आटे से रोटी बना रही हैं, तो इस तरह से सब इकट्ठा करके परात में या जिस बर्तन में भी आटा लगा रही हैं रख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा आटा लेकर मसल मसल कर रोटी बनाइए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही आटा ली हूँ, इसलिए पूरे आटे को एक साथ मसल कर फिर दिखा रही हूँ। ऐसे करते हुए मसल लेंगे, जिससे आटा एकदम लचीला हो जाएगा, और फिर हम इससे चाहे तो मोटी रोटी बनाएं, चाहे पतली रोटी बनाएं, रोटी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो ये देखिए, इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाकर मैं तैयार कर ली हूँ। तो इसको दो भाग में तोड़ लेंगे। अब एक लोई लेंगे, बढ़िया से चिकना, इस तरह से एकदम चिकना करते हुए गोल करेंगे। अब इसमें सूखा मक्के का आटा लगाएंगे। अब इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से बड़ा करेंगे। पहले हम उंगली की सहायता से ही इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पर मैं सूखे मक्के का आटा लगाई हूँ, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी लगा लीजिए। इस तरह से बड़ा करने के बाद साइड से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, जिससे हल्का हल्का जो क्रैक है ये सही हो जाए। फिर से इसको ऐसे हल्का सा बराबर कर देंगे, और अब इसको पलट देंगे दूसरे साइड से। थोड़ा सा सूखे मक्के का आटा लगाएंगे। अब इस रोटी को आप चाहे तो इस तरह से करते हुए उंगली से पूरी बड़ी कर लीजिए, लेकिन मैं बेलन से बेलकर इसको बड़ी करूंगी। सब तरफ से एक बराबर इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे, रोटी अपने आप से बड़ी होती रहेगी। तो इसका आटा जब आप मुलायम लगाएंगे तो आपकी रोटी फटेगी नहीं, अगर आटा टाइट रहेगा तो रोटी फटने लगती है, और आटा लगाने के बाद खूब अच्छे से मसलना बहुत जरूरी है। इसको आप जितना चाहें उतनी पतली कर लीजिए, और चाहे तो मोटी रखिए, आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो मक्की की रोटी हो गई, या बाजरे की हो गई, ज्वार की हो गई, इस टाइप की किसी भी मोटे अनाज की रोटी हो गई, थोड़ी सी मोटी रहती है तो खाने में ज्यादा अच्छी लगती है। अब गैस पर पहले तवा चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए, और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तब ये रोटी इस पर डाल देंगे। तो इस रोटी को बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, मीडियम या फिर लो मीडियम पर ही सेकिएगा। धीमी आंच पर जितने बढ़िया से इसको हम सेकेंगे, इसका स्वाद उतना ही बढ़िया आता है, और रोटी उतना बढ़िया पक जाती है। तो जब हल्का सा कलर आ जाए तब इसको पलट देंगे। तो अब आप इसको चाहे तो डायरेक्ट तवे पर भी सेक सकती हैं, या तो फिर गैस पर। तो मैं यहाँ पर गैस चूल्हे पर ही सेक कर दिखा रही हूँ। अब जैसे नॉर्मल रोटी, गेहूं की रोटी हम गैस चूल्हे पर सेकते हैं, सेम उसी तरह से इसको भी सेक लेंगे। तो देखिए, रोटी हमारी बहुत बढ़िया फूल रही है। सब तरफ से पलटते हुए अच्छे से इसको सेक लेंगे, जिससे कि कच्ची ना रहे। अब से हम उसी तरह से इस दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। अब इस पर आप चाहे तो अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा देसी घी लगा लीजिए, और चाहे तो सादा खाइए। मैं बिल्कुल हल्का हल्का देसी घी लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए, फटाफट मक्के के आटे की रोटी बनकर तैयार हो गई है, और देखिए कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, कितनी बढ़िया से बनी है रोटी, कितने अच्छे से फूली है, और बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है।